78वें स्वतंत्रता दिवस जिलास्तरीय समारोह बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में मनाया जाएगा, लेकिन इस समारोह से महज 36 घंटे पहले ही आदर्श स्टेडियम में पवेलियन की एक दीवार गिर गई। गनीमत यह रही कि उस समय वहां पर कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दीवार गिरने की सूचना पर जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह गुरुवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित आदर्श स्टेडियम में मनाया जाएगा, लेकिन इस समारोह से महज 36 घंटे पहले ही आदर्श स्टेडियम में पवेलियन की एक दीवार ढह गई। गनीमत यह रही कि उस समय वहां पर कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दीवार गिरने से कुछ देर पहले ही यहां पर अंतिम रिहर्सल करने के साथ प्रशासनिक अधिकारियों में व्यवस्थाओं को परखा था। दरअसल 15 अगस्त को लेकर बीते कुछ दिनों से तैयारियां चल रही हैं। आदर्श स्टेडियम में साफ सफाई से लेकर लेवलिंग का काम चल रहा था। मंगलवार को सुबह अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नेतृत्व में अंतिम रिहर्सल किया गया था। इसमें कुछ ही घंटों बाद घटिया निर्माण सामग्री से बनाए गए स्टेडियम के पवेलियन की दीवार ढह गई। उस समय मौके पर कोई नहीं था, इससे जनहानि नहीं हुई। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 30,000 से 35,000 लोग इस स्टेडियम में बैठते हैं। करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहता है। घटिया निर्माण कर बनाई पवेलियन की दीवार गिर गई। पवेलियन की दीवार गिरने के बाद जिला कलेक्टर निशांत जैन सहित नगर परिषद के अधिकारी स्टेडियम पहुंचे और मौका मुआयना किया। कलेक्टर ने दीवार गिरने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं फिलहाल बैरिकेड्स और शामियाना लगाकर टूटी दीवार वाले हिस्से को ढक दिया गया है।